INFINIX Note 7 अनबॉक्सिंग वीडियो। सो फाइनली इंडिया में INFINIX की तरफ से INFINIX Note 7 ये एक तरीके से लॉन्च हो चुका है। वेल यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये INFINIX Note 7 INFINIX की तरफ से फर्स्ट एक ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिस्प्ले मिलता है, अलमोस्ट 7 इंच का एक HD+ डिस्प्ले मिलता है। ये INFINIX Note 7 मैंने बेसिकली फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और विथ इन 24 आवर के अंदर ये मेरे रेसिडेंस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो गया। डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर कि आप सिटी में रहते हैं या तो आप विलेज टाइप एरिया में रहते हैं, तो डिपेंड करता है उस लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है इसका जो प्राइस है वो है 11,500 रुपीज़, लेकिन इसको मैंने ऑनलाइन डेबिट कार्ड से परचेस किया तो इस पर मुझे एडिशनल 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो ऑलमोस्ट ये मुझे स्मार्टफोन 10,500 रुपीज़ में पड़ा। तो बॉक्स के बैक साइड में आपको इसका पूरा का पूरा जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे कि इसमें आपको 17.65 सेंटीमीटर का आपको डिस्प्ले मिलता है। प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है मीडिया टेक का G70 और ये आपको 48 मेगापिक्सल का इसमें आपको कैमरा मिलता है, क्वाड कैमरा जो कि बैक कैमरा है। 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिलता है और इसमें आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और एक तरीके से इसमें जो आपको चार्जर मिलता है ये स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसमें आपको जो चार्जर मिलता है वो बेसिकली 18 वॉट का चार्जर मिलता है, बिकॉज सीधे से बात है कि जो बैटरी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, बड़ी बैटरी मिलती है 5000 mAh बैटरी, तो ऐसे केसेस में इसमें आपको सीधे से बात है कि फास्ट चार्जिंग होना ही चाहिए था, तो एक तरीके से बहुत ही ज़रूरी था। सो लेट्स अनबॉक्स दिस स्मार्टफोन्स। तो अनबॉक्स करने के बाद आपको इस स्मार्टफोन का लुक इस तरीके से देखने को मिलेगा, एज यू कैन सी दैट। तो एक तरीके से कहो तो मोबाइल को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखा गया है, जैसे कि आप मोबाइल को जैसे ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन पे कवर देखने को मिलेगा, तो ये एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, तो स्क्रीन को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट रखा गया। ये INFINIX की तरफ से नोट 7 का बोलिविया ब्लू कलर का एक ये वेरियंट है, जो एक तरीके से लाइट बोलिविया ब्लू है, कम्प्लीटली अलग टाइप का कलर है ये। और यहाँ पे आपको बैक साइड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, तो कैमरा के मामले में स्मार्टफोन आगे है। साथ में ये एक नॉच वाला डिस्प्ले नहीं है, ये एक पिन होल पंच वाला डिस्प्ले है जिसमें आपको टॉप लेफ्ट साइड में एक छोटा सा कैमरा देखने को मिलता है जो कि पूरा होल पंच नहीं है, ये पिन होल पंच स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन को साइड में रखते हैं, देखते हैं और क्या क्या यूनिट्स हमें स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलते हैं, और ये नॉर्मल से यूज़र मैनुअल्स हैं, इसमें आपको कोई भी ऐसा वारंटी कार्ड्स देखने को नहीं मिलता, तो एक तरीके से मुझे नेगेटिव लगा। और इसमें जो चार्जर, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी बॉक्स पे मेंशन किया गया था इसका, तो आपको इसमें 18 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, और ये टाइप सी केबल नहीं है, ये माइक्रो USB केबल है, तो ये भी एक तरीके से थोड़ा नेगेटिव लगा। बट 10,000 के रेंज में आपको कोई भी ऐसा माइक्रो टाइप सी केबल मोस्ट प्रोबेबली एक तरीके से नहीं मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर मिलता है ये एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, और यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट बैक कवर देखने को मिलता है, एज यू कैन सी दैट। तो ट्रांसपेरेंट बैक कवर का जो क्वालिटी है एक तरीके से बेटर लग रहा है, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो कवर है ये भी मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से एक अच्छे क्वालिटी का लग रहा है, और काफ़ी फ्लेक्सिबल लग रहा है ये। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा खटक खटक ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा है, बिकॉज एकदम सॉफ्ट लग रहा है, तो इसका क्वालिटी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये सारी यूनिट्स है जो आपको INFINIX Note 7 के बॉक्स में देखने को मिलेगा जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे। तो लेट्स इसको साइड में रखते हैं और डायरेक्टली हमारे स्मार्टफोन्स में आते हैं। तो मोबाइल के टॉप साइड में आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, मोबाइल के डाउन साइड में आपको यहाँ पर जो चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर है, हेडफोन जैक है और सेंसर देखने को मिलता है। मोबाइल के राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और यहाँ पर आपको पावर बटन देखने को मिला है। एक यहाँ पर एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा, जो पावर बटन है उसमें ही आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। यस, फिंगरप्रिंट का सपोर्ट, एज यू कैन सी दैट, फिंगरप्रिंट का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा।
तो आपको बैक साइड में कोई भी ऐसा राउंड कलर का शेप नहीं मिलेगा जिसका हम फिंगर का थंब रख के अपना डिवाइस अनलॉक करते हैं। जो पावर बटन है बस आपको उसको ही टच करना है और आपका फिंगरप्रिंट अनलॉक्ड हो जाएगा। तो लेट्स अभी सिम कार्ड को ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें और भी देखने को मिलता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर हमें एक तरीके से तो यहाँ पर आपको दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे दो सिम कार्ड और एक माइक्रो एसडी कार्ड को इजीली इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एज यू कैन सी। सो लेट्स स्विच ऑन दी स्मार्टफोन। स्मार्टफोन की मुझे खास बात ये लगी कि इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडिया टेक का G70 प्रोसेसर। तो आपको यहाँ पे गेमिंग खेलने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इसमें इजीली स्मूथली आप इसमें गेम प्ले कर पाएंगे। तो ये तरीके से काफ़ी अच्छी बात है और आपको एप्लीकेशंस लॉन्च करने के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोसेसर इसमें आपको काफ़ी अच्छा दिया गया तो स्पीड के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको आप डायरेक्टली इसके मोबाइल के सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आपको टॉप साइड में माई फोन्स के सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वो मेंशन की गई है, जैसे कि इसमें आपको 4GB का रैम मिलता है, 64GB का स्टोरेज मिलता है, 48MP का क्वाड कैमरा मिलता है, 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, इसमें आपको बैटरी मिलता है 5000mAh का बैटरी और ये इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है, पूरा HD नहीं मिलता है और ये एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 10 पर कम्प्लीटली बेस्ड है। और प्रोसेसर जो मैंने आपको ऑलरेडी पता है मीडिया टेक का हीलियो G70 जो कि नॉर्मल है गेमिंग के मामले में। तो ये सारे के सारे इसके स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ तो ये स्मार्टफोन्स उन लोगों के लिए है जो एक तरीके से गेमर्स है और जो एक अच्छा लुक चाहते हैं और एक अच्छा डिस्प्ले चाहते हैं और मोबाइल में कोई भी स्पीड में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो ये स्मार्टफोन उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसका प्राइस 11,500 रुपीज़ है और ये आपको फ्लिपकार्ट पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा और काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है 11,000 के रेंज में, जो आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छा फीचर्स, लुक और एक फिंगरप्रिंट का न्यू फीचर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो इट्स वेरी वेरी गुड एंड अमेजिंग। सो ये था इन्फिनिक्स नोट 7 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।